हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वंदे मातरम। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पर स्टडी की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने किया था यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन फीमेल इज नोन एज ओवम। देर आर टू टाइप ऑफ गैमेट हमने यहाँ पर फॉर्मेशन किया इन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। देन हमने देखा कि बोथ आर गैमेट्स फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट इन केस ऑफ फीमेल, इनसाइड ऑफ द फीमेल दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फाउंड इन एनिमल बींग। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ ह्यूमन वी आर स्टडीइंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ ह्यूमन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट और फेलोपियन डक्ट। व्हाट एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। इफ द एम्पुला नॉट गिवन एन आंसर, देन द सेकेंड आंसर इज एम्पुला इस्टेमिक जंक्शन। तो ये हम यहाँ पर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। Today we will discuss about a very important lecture for the NEET exam and competitive exam like JIPMER, AIIMS, but presently दोनों या एक ही NEET के अंदर ले लिए, but इसलिए वहां से भी अच्छे क्वेश्चन आपसे asking कर सकते हैं। अब यहाँ कैसे what is the next process of the embryology after फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज प्रोसेस स्टार्ट इन द ओविडक्ट। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस इन द ओविडक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम यहां पर बात करेंगे, तो देखिएगा क्या होता है यहाँ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में है किस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजिकल रिएक्शन होती है इन केस ऑफ ह्यूमन। हम यहाँ पर बात ध्यान रखें, केवल ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो किस प्रकार की होती है। ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन अबाउट द इम्प्लांटेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, जो मेजर रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द यूटरस या वॉम्ब ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। अब यहाँ इन बिटवीन द फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस फाउंड, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे देर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस आर फाउंड इन द इन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देन फर्स्ट रिएक्शन इज क्लीवेज। फर्स्ट एक वर्ड यहाँ पर काम में लेते हैं, क्लीवेज फाउंड इन द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। सेकेंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देन थर्ड रिएक्शन इज इम्प्लांटेशन। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट फाउंड इन बिटवीन इम्प्लांटेशन, इन बिटवीन प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट इज क्लीवेज, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, थर्ड इज इम्प्लांटेशन। ओके, ये आप यहां पर बात समझेगा। अभी यहां क्वेश्चन होता है कि क्लीवेज क्या है, क्लीवेज किसके अंदर होगा। तब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में जो गैमेट बना था, ओवा बना था, मैं केवल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन की बात कर रहा हूं, अदर एनिमल की बात नहीं कर रहा। यहां ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन क्लीवेज, ह्यूमन स्ट्रक्चर पर यहां पर मैं एम्फेसिस करूंगा। यहां जो ओवा में यहां बना था, सेकेंडरी ओसाइट बना था, ये ओवा ऑन द बेसिस ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ योक द ह्यूमन एग इज अपन ऑन द बेसिस ऑफ योक द एग डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, मेनी टाइप्स। फर्स्ट इज ए लेसिटल, सेकेंड इज माइक्रो लेसिटल, थर्ड इज पोली लेसिटल। तो ह्यूमन एग इज ए लेसिटल टाइप ऑफ एग, ए लेसिटल। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लेसिटल एग, ए लेसिटल मीनिंग द अमाउंट ऑफ योक इज जीरो। इसके अंदर नेग्लिजिबल योक है या जीरो अपन वर्ड काम में नहीं ले सकते। यहां पर योक है वो क्या है, नेग्लिजिबल टाइप का योक है। तो बट अदर मेमल्स है
उसका यहां पर एग होता है, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोलेसिकल, माइक्रोलेसिकल अदर मेमल्स द एग इज माइक्रोलेसिकल, बट प्रोटोथीरियन 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 एग इज पॉलीलेसिकल पॉलीलेसिकल। तो ये बात आपने एक बार यहां पर लर्न की कि ऑन द बेसिस ऑफ योक अमाउंट ऑफ योक द एग डिवाइडेड इन मेनी टाइप्स, फर्स्ट इज एलेसिटल, सेकंड इज माइक्रोलेसिटल, थर्ड इज मीजोलेसिटल, फोर्थ इज पॉलीलेसिटल। एलेसिटल योक फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, माइक्रोलेसिटल फाउंड इन द अदर देन ह्यूमन मैमल्स, देन मीजोलेसिटल फाउंड इन द फ्रॉग एंड पॉलीलेसिटल फाउंड इन प्रोटोथीरियन मैमल एंड अदर लाइक रेप्टाइल एंड एविज हैव पॉलीलेसिटल टाइप ऑफ एग। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, एलेसिटल टाइप का एग है, एलेसिटल टाइप का एग है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम आपको कि क्लीवेज जब स्टार्ट होगा, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज तो फर्स्ट प्रोसेस हो रही है, क्लीवेज इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन, इट इज स्टार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी टाइम हाउ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द क्लीवेज, तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट क्लीवेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फर्स्ट क्लीवेज है स्टार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन नियर अबाउट 24 टू 30 आवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट, फर्स्ट क्लीवेज कब स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर 24 आवर टू 30 आवर के बीच में, यहां पर यहां स्टार्ट होगा 24 आवर है वहां पर स्टार्ट होगा और 30 आवर है उसमें यहां पर फर्स्ट क्लीवेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड क्लीवेज, ये फर्स्ट क्लीवेज की बात थी, सेकंड क्लीवेज है वो कब स्टार्ट होगा, तो आफ्टर 10 आवर की बात करें तो आफ्टर 10 आवर है वो स्टार्ट होगा, तो 30 प्लस 10 तो 42-45 आवर है वो यहां पर सेकंड क्लीवेज होगा। देन थर्ड क्लीवेज है कब स्टार्ट होगा, तो आपका आंसर होगा 72-75 आवर है इसके बाद में यहां थर्ड क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज सेकंड क्लीवेज मोस्ट ऑफ जो क्लीवेज है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लीवेज आ रहे सिंक्रोनस टाइप ऑफ क्लीवेज, बट इन केस ऑफ ह्यूमन तो ह्यूमन क्लीवेज एसिंक्रोनस टाइप ऑफ क्लीवेज। तो ये आप यहां पर बात ध्यान रखिएगा, एक सिंक्रोनस टाइप का क्लीवेज है और एक एसिंक्रोनस टाइप का क्लीवेज है। तो यहां ह्यूमन के अंदर एग जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर कहेंगे जाइगोट, ये तो जाइगोट बना था, इस जाइगोट में यहां पर क्लीवेज है वो स्टार्ट हो रहा है रैपिडली। व्हाट इज द क्लीवेज, क्लीवेज इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन विच सिंगल यूनिसेलुलर या सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसे यहां पर कन्वर्ट कर रहा है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम यहां पर आगे बात करेंगे। यहां तो क्लीवेज की थोड़ा सा इसको डिटेल अवन करेंगे कि वास्तव में क्लीवेज जो है वो क्या है कैसे है। तो क्लीवेज के लिए हम यहां वर्ड दूसरा भी ले सकते हैं, क्लीवेज आल्सो नोन एज सेलुलेशन, क्लीवेज आल्सो नोन एज सेलुलेशन एंड क्लीवेज आल्सो नोन एज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन द अदर वर्ड ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज नॉर्मली हम कह सकते हैं क्लीवेज इज ए माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लीवेज इज ए माइटोटिक डिवीजन, बट यहां पर रैपिडली माइटोटिक हो रहा है, यहां पर रैपिड माइटोटिक डिवीजन, और रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा तो आप देखोगे कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म इज कॉल्ड जाइगोट, यूनिसेलुलर जाइगोट, द प्रेजेंस ऑफ क्लीवेज इट इज कन्वर्ट इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इनिशियली नोन एज मोरूला, इनिशियली नोन एज मोरूला। इनसाइड ऑफ द जाइगोट फॉर्म ए मेनी सेल्स, द सेल नोन एज ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर आफ्टर क्लीवेज द सिंगल सेलुलर जाइगोट कन्वर्ट इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैव मेनी
नंबर ऑफ सेल्स दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर ग्रेजुअली इंक्रीज बाय द क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन. अब यहां ये एक बेसिक आप बात समझ गए होंगे. अब क्वेश्चन दूसरे यहां पर आता है कि मैं एक तरफ कह रहा हूं क्लीवेज, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं यहां पर माइटोटिक डिवीजन, तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन ही वर्ड काम में क्यों नहीं लिया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड क्लीवेज? क्या एक ही है दोनों? नो, बोथ आर डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट मैकेनिज्म. व्हाट डू यू मीन अबाउट द माइटोटिक डिवीजन? तो यहां पर डिफरेंसेस देख सकते हैं हम, एक तरफ टेबल के द्वारा बता सकते हैं कि वन इज माइटोसिस, सेकेंड इज ए क्लीवेज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज और माइटोसिस? तब देखिएगा तो माइटोसिस जो डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस से ऑलवेज फाउंड इन ऑल सोमेटिक सेल्स. Somatic cell, it is found in all somatic cells, but cleavage found in only zygote. Cleavage occur in only zygote. The first main difference is of the cleavage and mitotic division. Then mitotic division, after mitotic division, they form the parental cell form daughter cell. Daughter cell, but after cleavage. The parental cell form the daughter cell known as blastomere. Blastomere. Just like we can see, one is a parental cell. Parental cell is a diploid cell. It is divided into two cell, two small cell. Both are diploid cell. This is called a daughter cell, and this division known as a माइटोटिक डिवीजन. देन इनसाइड ऑफ द क्लीवेज, इफ द क्लीवेज अकर इन दी जायगोट, दीज ब्लास्टोमियर अकर इन दी जायगोट, नॉट सेपरेट ऑफ द डॉटर सेल. दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. दिस इज नोन एज ब्लास्टोमियर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आफ्टर क्लीवेज क्वेश्चन यहां पर क्या अरेंज कर रहा है? आफ्टर क्लीवेज विच टाइप ऑफ सेल डेवलप in the zygote, the name of cell in the zygote after the cleavage, the name of cell known as blastomere. The name of cell after the mitotic division, the name of cell after the mitotic division known as daughter cell. The daughter cell, the size of daughter cell is smaller than the parental cell, but next mitotic division in the daughter cell after some time. Why? Then we can see in the mitotic division the daughter cell size enlarge due to the interphase is large and completed by G1S, G2 and M phase. G1 phase is a growth phase, S phase is a synthetic phase, G2 phase is a second growth phase, M phase is a mitotic phase. Amongst cycle are developed in the mitotic daughter cells. Then in cleavage, G1 phase are not occur, S phase is occur, G2 phase also not occur, and M phase are occur. So only S phase and M phase found in the cleavage, found in the blastomere. So in between two cleavage, a time gap is short. Time gap is short, but in two mitosis, time gap is long. Time gap is long. It is most important difference between the mitotic division and cleavage. Then next differences we can see, during mitosis the daughter cell, size of daughter cell remain constant, size of daughter cell remain constant due to initially the daughter cell size is small, but after some time
थ्रू G1 और G2 पे द साइज ऑफ द ग्रोथ सेल, साइज ऑफ द डॉटर सेल रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन फाउंड इक्वल टू पेरेंटल सेल, देन माइटोटिक डिवीजन विल बी स्टार्ट. बट इन क्लीवेज द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर स्मॉलर देन स्मॉलर. But not isolate of the blastomere from the zygote. Then the blastomere, size of blastomere smaller than smaller. But number of blastomere increase in the zygotes. Firstly, 2 cell, then 4 cell, then 8 cell, then 16 cell, then 32 cell, then 64 cell, then so many. इस सीक्वेंस में यहां पर जो ब्लास्टोमियर है उसके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे यहां, और साइज ऑफ सेल है यहां पर डिक्रीजिंग होता जाएगा यहां. तो इस प्रकार से हमें यहां इसको क्लीवेज के डिफरेंसेस को हम यहां समझा सकते हैं. इसके बाद में आगे और देखें यहां नेक्स्ट जो डिफरेंसेज हम यहां देखें कि और कौन से यहां डिफरेंसेज हो सकते हैं, या क्लीवेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहां क्यों रिक्वायरमेंट ही पड़ी कि क्लीवेज हो, माइटोटिक डिवीजन ही क्यों नहीं हो, या डायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं हो. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लीवेज इन द जायगोट. तो देखिए ये जो साइड ऑफ जायगोट है, दिस इज जायगोट, द साइड ऑफ जायगोट 600 टाइम मोर देन सोमेटिक सेल. This is somatic cell. Somatic cell. It is very important characteristic of the zygote and somatic cell. The size of zygote more than somatic cell. How many more than? 600 times more than somatic cell. अब यहां cleavage होगा तो इसका size क्या हो जाएगा? ये सोमेटिक सेल के इक्वल साइज होगा. और क्लीवेज आपसे कहे कब तक यहां पर क्लीवेज होता रहेगा इन द जायगोट इन द ब्लास्टोमियर, तो तब तक ये क्लीवेज होता रहेगा जब तक सोमेटिक सेल के इक्वल है वो यहां पर ब्लास्टोमियर न बन जाए. ब्लास्टोमियर है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर है, वो इसके इक्वल जब तक बन जाएंगे तब तक यहां पर क्लीवेज होता रहेगा. इसलिए क्लीवेज की यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ी. और ये कब तक होता है? एंड ऑफ द गेस्टुलेशन, एंड ऑफ गेस्टुलेशन है तब तक क्लीवेज होता रहेगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज होते रहेंगे यहां. अब यहां देखिएगा क्लीवेज कब तक होगा, जब तक सोमेटिक सेल का साइज न प्राप्त कर ले तब तक यहां पर यह क्लीवेज होता रहेगा. और एंड ऑफ ये टाइम कब आता है, एंड ऑफ द गेस्टुलेशन ये टाइम आता है यहां पर, तब तक ये क्लीवेज होता रहेगा. और उसके बाद में जैसे ही यहां सोमेटिक सेल का साइज यहां मिल जाएगा तो क्लीवेज विल बी क्लोज. इसमें क्लीवेज यहां पर क्लोज हो जाएगा यहां. तो ये एक बेसिक यहां डिफरेंसेज है. और एक वर्ड और आता है KI, केजियोप्लाज्मिक इंडक्स. जायगोट जो है, जायगोट है उसका साइज ज्यादा होता है, इसलिए KI इसका कम होता है. द साइज ऑफ जायगोट इज इंक्रीज हायर, सो द KI केरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज लोअर, डिक्रीज इन कंडीशन. बट इन सोमेटिक सेल और ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर साइज will smaller than the zygote, so KI is higher in the blastomere. Karyoplasmic index is equal to cytoplasm upon the nucleoplasm is called KI. तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपसे आस्किंग कर सकते हैं कि जायगोट का साइज इंक्रीज हो रहा है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, इसका डिक्रीज है. व्हेन आफ्टर क्लीवेज मेनी ब्लास्टोमियर फॉर्म इन द जायगोट इन द स्पेक्टर इन द एम्ब्रियो, द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली द ब्लास्टोमियर. तो ये आप यहां पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसे ब्लास्टोमियर साइज को और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को
इसके रेस्पेक्ट में आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर समझ चुके होंगे कि कब तक क्लीवेज होगा और क्यों क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज इसलिए होगा कि जायगोट का साइज इतना बड़ा होता है जो आगे बॉडी फॉर्म करने में, एम्ब्रियो फॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहां पर बेबी फॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि सोमेटिक जो सेल होती है बॉडी की उसकी इक्वल यहां पर साइज ले, ब्लास्टोमीर वो साइज लेने के बाद है फिर आगे फॉर्मेशन करें। अब जब तक क्लीवेज हो रहा है, ध्यान रखें जब तक क्लीवेज हो रहा है तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर और स्ट्रक्चर्स इक्वल टू ऑल एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनिशियल यहां पर आप देखें कि ये जो एक है 2N स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे जायगोट। ओके, जायगोट यहां पर कन्वर्ट होगा किसमें, एक दूसरी स्ट्रक्चर में। यहां पर एट सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कन्वर्ट होगा, और इसमें यहां पर सेल्स है, इसको हम कहेंगे मोरूला। मोरूला यहां पर कन्वर्ट होगा किसके अंदर है, एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये यहां पर 1 सेल है, ये यहां पर 16 सेल है, 8 to 16 सेल है, ये यहां पर 16 to 32 सेल है। यहां इस सेल को हम कहेंगे यहां पर ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टुला यहां पर कन्वर्ट होगा अर्ली, एक और स्ट्रक्चर बनेगी, इस और स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहां पर, ऐसी स्ट्रक्चर का यहां पर नाम दे दिया गया गैस्टुला। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम अर्ली गैस्टुला के नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे अर्ली गैस्टुला। यहां तक ये क्या है जो मोर देन 62 स्टेज है, यहां पर ये इक्वल होंगे, इसका साइज है सबका इक्वल होगा, यहां जायगोट, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड अर्ली गैस्टुला ऑल आर इक्वल। और यहां तक ब्लास्टोसिस्ट बनती है, यहां तक का जो डेवलपमेंट होता है, इसके बाद में ये अटैच विद द यूट्राइन वॉल, अटैच विद यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यूं कहें हमारे इम्प्लांटेशन तक इसका साइज है वो हमेशा फिक्स रहता है, किसी प्रकार का कोई यहां पर इसमें चेंजेज नहीं आता। अब इम्प्लांटेशन तक इसका साइज फिक्स रह रहा है, जनरल मैं क्लीवेज की बात कर रहा हूं, इसका साइज फिक्स क्यों रह रहा है, तब आप देखिएगा कि ये जो हमने जायगोट बनाया है, इस जायगोट के चारों तरफ एक सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं यहां जोना पेलुसिडा इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एग। इस जोना पेलुसिडा के कारण इसके साइज में कोई एलार्जमेंट नहीं हो सकता। कंटिन्यू यहां पर मोरूला है, इसके चारों तरफ भी जोना पेलुसिडा है, यहां पर भी जोना पेलुसिडा है, और यहां जोना पेलुसिडा इम्प्लांटेशन होता है तो यहां जोना पेलुसिडा हैच हो जाता है, यहां पर जोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय क्यों होता है, ट्रोपोप्लास्ट सेल एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगी और जोना पेलुसिडा को यहां पर डिस्ट्रॉय कर देगी, और उसके बाद में इसका साइज है, एम्ब्रियो का साइज है, वो यहां चेंज होने लगता है। तो ये साइज का यहां क्वेश्चन आता है यहां पर कि जायगोट, मोरूला, ब्लास्टुला एंड अर्ली गैस्टुला तक जो साइज ऑफ द एम्ब्रियो है यहां, अब हम क्या जायगोट के बाद में जब क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। बात समझ में आई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे एम्ब्रियो कहेंगे। यहां क्वेश्चन एक और बन जाता है यहां कि एम्ब्रियो कब तक का हो गया। यहां वी गेट 9 मंथ प्रेगनेंसी, वुमन जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। फर्स्ट जो 2 मंथ है यहां तक का डेवलपमेंटल जो स्ट्रक्चर बन रही है नॉन एज एम्ब्रियो। फर्स्ट 2 मंथ तक आप इसे एम्ब्रियो कहेंगे, देन आफ्टर टू मंथ टिल बर्थ
टिल बर्थ द स्ट्रक्चर नोन एज फिटस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंशिएट बिटवीन एम्ब्रियो एंड फिटस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट टू मंथ स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज एम्ब्रियो, आफ्टर टू मंथ टिल बर्थ दिस स्ट्रक्चर नोन एज फिटस। ओके बेटा जी, समझ में आया यहां पर? अब आगे यहां पर हम फिर देखेंगे कि अब क्या चेंजेज होते हैं। एक जनरल मैंने क्लीवेज की स्ट्रक्चर बताई थी, क्लीवेज में जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लीवेज एंड माइटोसिस और क्लीवेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस बात में हमने यहां पर चर्चा की। इसके बाद में हम यहां पर देखें, नेक्स्ट हम ये देखें कि क्यों क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज कहां होता है, क्या स्ट्रक्चर है क्लीवेज की, कैसे इस टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग जनरली अकॉर्डिंग टू प्लेन इन एनिमल बीइंग देर आर फोर टाइप ऑफ क्लीवेज इन एनिमल बीइंग बात कर रहा हूं। फर्स्ट इज मेरिडियोनल क्लीवेज, सेकेंड इज ए वर्टिकल क्लीवेज, थर्ड इज इक्वेटोरियल क्लीवेज, फोर्थ इज लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। लैटिट्यूडिनल क्लीवेज हम यहां पर बात करेंगे मेरिडियनल और इक्वेटोरियल क्लीवेज की। एनिमल बींग में फोर टाइप के, मेरिडियनल क्लीवेज का मीनिंग यहां पर एनिमल पोल है, एनिमल और वेजिटल एक्सिस में और सेंटर में से क्लीवेज हो रहा है मेरिडियनल क्लीवेज। वर्टिकल क्लीवेज है यहां पर एनिमल और वेजिटल यहां पर एक्सिस में और सेंटर से वो लेटरली हो रहा है वर्टिकल क्लीवेज। इक्वेटोरियल का मीनिंग है यहां पर ये एनिमल वेजिटल एक्सिस के यहां राइट एंगल पर हो रहा है और सेंटर में से हो रहा है तो इक्वेटोरियल क्लीवेज। लैटिट्यूडिनल अपन कहेंगे यहां पर क्लीवेज क्या हो रहा है एनिमल वेजिटल एक्सिस के या राइट एंगल पर लेकिन यहां लेटरली हो रहा है यहां तो इसको हम कहेंगे लैटिट्यूडिनल। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्लीवेज अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ द क्लीवेज, द प्लेन ऑफ द क्लीवेज डिवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ योक, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द योक, द क्लीवेज बोरो फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस और लेटरली ऑफ द एक्सिस। इन केस ऑफ वुमन ओनली देर आर टू टाइप ऑफ क्लीवेज, फर्स्ट इज ए मेरिडियनल क्लीवेज, सेकेंड इज इक्विटोरियल क्लीवेज। इन वुमन फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियनल, सेकेंड क्लीवेज इज मेरिडियनल, थर्ड क्लीवेज इज इक्विटोरियल। इन केस ऑफ वुमन याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, वुमन के तीन क्लीवेज यहां पर फिक्स है एम एम ई, दिस इज कॉल्ड मम्मी। अदर देन वुमन अदर देन मेमल फर्स्ट क्लीवेज इज इक्विटोरियल, सेकंड क्लीवेज इज मेरिडियनल, थर्ड क्लीवेज इज मेरिडियनल। याद रखने के लिए एम ई एम एम अदर देन मेमल। वुमन एक स्पेशल एनिमल है और इसके अंदर जो क्लीवेज होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके अंदर तो इसे बहुत पूछते थे। फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियनल, सेकंड क्लीवेज इज मेरिडियनल एंड थर्ड क्लीवेज इज इक्वेटोरियल, सो कॉल्ड मम्मी एम एम ई। याद रखने का एक फॉर्मूला हो गया आपके पास में कि ये इस टाइप का एक क्लीवेज हो रहा है। एक बात अब जो एक सेल है यहां ध्यान रखें, ये एक सिंगल सेल स्टेज है, इसको हम जायगोट कहेंगे, ये एक जायगोट आपके सामने है। इस जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज हो रहा है या मेरिडियनल टाइप का, तो यहां टू सेल स्ट्रक्चर बन रही है आपके पास में, यहां पर जो बनेगी टू सेल स्ट्रक्चर बनेगी। यहां ये हल्का सा लेटरली होता है, अनइक्वल होता है, यहां ध्यान रखिए ये जो क्लीवेज होगा वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल टाइप का क्लीवेज हो रहा है, फिर इसके बाद में टू यहां पर ब्लास्टोमियर बने, टू ब्लास्टोमियर, टू ब्लास्टोमियर बने और अनइक्वल बना प्रकार के बने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लीवेज होगा आपके पास में यहां पर मैं अंदर बना रहा हूं, फोर सेल स्ट्रक्चर बन रही है,
ब्लास्टोमियर नंबर वन, ब्लास्टोमियर नंबर टू, ब्लास्टोमियर नंबर थ्री, ब्लास्टोमियर नंबर फोर, फोर सेल स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर, ये भी यहां पर अनइक्वल है और कैसा हो रहा है, ये भी मेरिडियनल है, ये भी मेरिडियनल है यहां। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर, इसमें यहां एट सेल स्ट्रक्चर इस प्रकार से, एट सेल स्ट्रक्चर सराउंडिंग क्या है इसके, सराउंडिंग जोना पेरोसुटा यहां पर है, बीच में ये ब्लास्टोमीर बन गई है, एट सेल स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोरूला, यहां से मोरूला यहां पर प्रारंभ हो गई इसको मोरूला, और तो एट टू कह सकते हैं, एट टू 16 तक मोरूला यहां पर रहती है, यहां एक क्लस्टर यहां पर बन रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लीवेज होगा तो आपके पास में यहां 16 सेल स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगी है, तो ये चेंजेज है, ये चेंजेज कहां पर प्रेजेंट होती है, कहां पाई जाती है, तो दी चेंजेज आर फाउंड इन द फैलोपियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ऑल चेंजेज आर फाउंड इन ओविडक्ट, ऑल क्लीवेज है वो यहां पर इनिशियली जो क्लीवेज है, प्री इम्प्लांटेशन जो क्लीवेज है वो विच इज फाउंड इन दी ओविडक्ट, विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, इन द स्टोमेटिक पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द एम्बुला द फर्टिलाइजेशन विल अकर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर 24 to 30 आवर्स द जाइगोट मूव इनटू द स्टोमस बाय द सीलियरी मूवमेंट, देन फर्स्ट क्लीवेज विल बी स्टार्ट एंड वी गेट टू सेलुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम जाइगोट, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, टू सेलर स्ट्रक्चर नोन एज द ब्लास्टोमियर, देन ब्लास्टोमियर अंडरगोज द क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज आफ्टर 40 आवर, देन फॉर्म फोर सेलर स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर फोर सेलर स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर आफ्टर 70 to 75 आवर वी गेट एट सेलर स्ट्रक्चर, एट सिल्वर स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज मोरूला स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाई ए हार्ड सीथ, दिस इज कॉल्ड जोना पेरोसुटा। दीज चेंजेज, दीज इवेंट आर फाउंड इन द इस्टमिक रीजन ऑफ ओविडक्ट, यू श्योर, यू विल बी श्योर, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज इवेंट, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म इन द स्टमस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां ये डेवलप हो रही है, कहां ये बन रही है, तो आप कहोगे ओविडक्ट में बन रही है यहां। अब इसके बाद में क्या चेंजेज हो रहा है, यहां ये बात हुई, यहां पर क्लीवेज जो हो रहा है कंटिन्यू इस प्रकार से क्लीवेज हो रहा है आपके पास में, देन व्हाट चेंजेज फाउंड इन द मोरूला, हम आगे यहां पर देखेंगे मोरूला के बाद में कि मोरूला में क्या चेंजेज आया, तो मैंने चेंजेज आर फाउंड इन दी मोरूला, तो आप यहां पर देखोगे कि हम यहां पर फॉर्म करेंगे ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला फॉर्मेशन करने के बाद में हम यहां पर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेंगे, यहां तो देखिएगा तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हमने कहां से बनाई कि हमने कहा था कि ये एक यूनिसेलुलर जायगोट है, इस जायगोट से यहां पर एक एट सेल स्ट्रक्चर, ये एक एट सेल स्ट्रक्चर बनी, इसको हम मोरूला कहेंगे। इसके बाद में ये एट सेल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रही है यहां पर 16 सेल स्ट्रक्चर के अंदर, इस प्रकार से एक यहां मलबरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, मलबरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, सैतूत जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी यहां पर, ये जो यहां हो रही है, तो यहां अब एक क्वेश्चन क्यों, एक क्वेश्चन और डेवलप होता है, ये सब क्या हो रहा है क्लीवेज, यहां आपसे पूछ सकते हैं, मैंने कहा एग ये कैसे हैं, ये किस प्रकार के हैं, तो आप कहोगे ए लेसिटर टाइप का, वुमन की केस की बात कर रहा हूं, यहां क्लीवेज किस टाइप का होगा, क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, क्लीवेज विल डिवाइडेड इन टू पोर्शंस, टू पार्ट,
फर्स्ट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज फाउंड इन लोअर एनिमल लाइक एविड्स, लाइक बर्ड्स, लाइक रेप्टाइल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ योक इन द एग एंड ऑल्सो फाउंड इन द प्रोटोथीरियन लाइक एकिडिना. बट इन केस ऑफ मेमल, विवीपेरस मेमल और इन द ह्यूमन व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज, तो वी कैन सी दिस इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन ह्यूमन बींग, तो आंसर होगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक ही क्यों हुआ, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ योक, ड्यू टू एलेसिटल टाइप ऑफ एग ओवा, सो द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक. ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एग, अब्सेंस ऑफ योक इन द एग, द कंप्लीटली डिवाइडेड ऑफ द जाइगोट एंड फॉर्म ए लार्ज साइज ऑफ ब्लास्टोमियर. ए कंप्लीट जाइगोट ऑफ द डिवाइडेड ऑफ द जाइगोट एंड फॉर्म टू ब्लास्टोमियर, दिस इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज. व्हेन द क्लीवेज इज मीरोब्लास्टिक, इट इज फाउंड इन ओनली ब्लास्टोडिस्क बट नॉट डिवाइडेड ऑफ कंप्लीट ओवा, कंप्लीट एग, दिस इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज विच इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, एविड्स एंड प्रोटोथीरियन. Then we can see the cleavage is holoblastic in human being. What type of holoblastic? Holoblastic cleavage, there are two types, equal holoblastic and unequal holoblastic. Equal holoblastic means the coming blastomere are equal size after the cleavage. But unequal holoblastic cleavage meaning after the cleavage the formation of the blastomere are unequal size. Human not have the amount of yolk but the cleavage is unequal type. So holoblastic unequal cleavage. Unequal cleavage. Then third word used according to cleavage. The cleavage is two type, synchronous or asynchronous type. Synchronous meaning when the blastomere increase by the cleavage in manner 2, 4, at 16 and 32, so many blastomere. This type of cleavage known as synchronous type of cleavage. But in case of human, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 32, this type of blastomere form in the human being, so called asynchronous type of cleavage. Asynchronous type of cleavage आपके ऑप्शन में ये मिलेगा. What type of cleavage found in the human being? Holoblastic unequal asynchronous. ऑप्शन ए के मिलेगा. ऑप्शन दो देगा होलोब्लास्टिक इक्वल एसिंक्रोनस, होलोब्लास्टिक अनइक्वल सिंक्रोनस, होलोब्लास्टिक अनइक्वल सिंक्रोनस. आपका आंसर क्या होगा, आपको ध्यान रखना है डैम श्योर, होलोब्लास्टिक अनइक्वल और asynchronous type of cleavage. What do you mean about the synchronous and asynchronous? Meaning, if the manner of the formation of the blastomere in 2, 4, 8, 16 like manner, when the blastomere formation manner found 2, 3 unequal type, asynchronous type, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 9, 10, 16. So, this manner known as asynchronous type of cleavage. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं,
वुमन के अंदर इस टाइप का क्लीवेज होता है, ऐसा क्लीवेज वुमन के अंदर है। तो ये बात आप यहां पर समझ चुके होंगे कि क्लीवेज यहां पर हुआ, मोरूला बना, एट टू 16 स्टेज बनी, यहां पर मोरूला बना, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द मोरूला What changes found in the embryological stage? Embryo, यहाँ पर अब embryo में बात कर रहे हैं। Embryo क्या है, कब तक embryo कहेंगे, 2 month तक कहेंगे, ये कब हो रही है, ये घटना ये कब हो रही है। यहाँ पर मैंने कहा स्टार्ट कब हुई थी, 24 आवर के बाद में स्टार्ट हुई थी, और फर्स्ट क्लीवेज हुआ कंप्लीट कब हुआ, 30 आवर में कंप्लीट हो गया, देन 10 आवर 40 आवर्स के बाद में सेकेंड क्लीवेज हुआ, देन थर्ड क्लीवेज हुआ यहाँ पर आफ्टर 70 आवर इन केस ऑफ ह्यूमन। बात कर रहा हूं केवल मानव की, आपकी और हमारी बात कर रहा हूं मैं, कोई दूसरे जानवर की बात नहीं कर रहा, दूसरे एनिमल की बात नहीं कर रहा। अब यह जो रिएक्शन से कहां हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है ओविडक्ट के अंदर स्टमिक पार्ट में हो रही है ये, और जैसे जैसे यहां पर ये रिएक्शन हो रही है तो सीलिया इसके ऊपर बीट कर रही है और इस एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आगे सेंड कर रही है। यहां पर ये जो या पार्ट है इसके अंदर ये चेंजेज आ रहे हैं, इसके अंदर ये चेंजेज आ रहे हैं, और इसको आगे यहां पर ट्वार टू यूट्रस इसके अंदर यहां पर चेंज कर रहे हैं, भेज रहे हैं इसमें। तो ये बात आप यहां पर समझ चुके होंगे यहां कि ये स्टोमेटिक पार्ट के अंदर हो रही है, स्टोमिस के अंदर ये कितने दिन तक यहां पर रिएक्शन होगी। तो यहां मोरूला बनता है नियर अबाउट 2 to 3 days, और इसके बाद में यह ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो 4th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये 3rd day है और ये 4th day है, यहां पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। अब ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, तो इसके अंदर क्या चेंजेज आएगा, कौन सी स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी ब्लास्टोसिस्ट में, तो इसमें आप यहां पर चेक करोगे देखोगे यहां मलबरी लाइक स्ट्रक्चर बनी, क्लीवेज यहां पर जारी है, तो फिर यहां मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, अरेंजमेंट ऑफ द सेल होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर, मेनी ब्लास्टोमियर, देन द अरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर अकर इन दिस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील कैविटी। दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टुला बहुत आर सेम स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला ब्लास्टुला इज इक्वल टू ब्लास्टोसिस्ट, बहुत आर सेम स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर दिस स्ट्रक्चर नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट अदर देन ह्यूमन बट इन मैमल्स, other than mammal but in avids and reptiles the structure known as a blastula, human or main keh sakta hu mammals bhi yahan par le sakta hu, iske andar kya ban raha hai yahan par blastocyst ban rahi hai, other than mammal like avids birds le like reptiles ले इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे और अदर एनिमल्स ले तो उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट नॉन एज ब्लास्टुला। There are many type of blastula like stereoblastula, siloblastula, amphiblastula, periblastula. So many type of blastula found in animal being in different animals. हम बात करें only human reproductions की। तो human reproduction में यहां पर जो embryological event आएगा इसको हम कहेंगे यहां पर blastocyst. What is the structure of blastocyst? आउटर साइड है इसको हम कहेंगे यहां जोना पेलोसिटा, आउटर लेनो ने द जोना पेलोसिटा, ये अभी भी पड़ी है खत्म नहीं हुई है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर यहां पर बन रही है इसको हम यहां पर कहेंगे इन साइड है ऑफ द जोना पेलोसिटा फाउंड ए सेलुलर लेयर विच इज फॉर्म बाई ब्लास्टोमियर, दिस ब्लास्टोमियर अरेंज ए लेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस लेयर अरेंज इन पेरिफेरी साइड ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट,
दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट लेयर, बट ए अदर ग्रुप ऑफ द लेयर, ए अदर ग्रुप ऑफ द लेयर डेवलप इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, दीज सेल ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल, नोन एज इनर इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट, इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट और स्टेम सेल, स्टेम सेल इनसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी, नोन एज ब्लास्टोसील कैविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन द एग्जाम व्हाट डू यू मीन अबाउट द इनर सेल मास, इनर सेल मास इज द स्टेम सेल और एम्ब्रियोब्लास्ट सेल विच डेवलप इन फ्यूचर ए कंप्लीट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, कंप्लीट पार्ट ऑफ द बेबी, कंप्लीट पार्ट ऑफ द एडल्ट। फर्स्टली द ग्रुप ऑफ सेल डेवलप थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सो कॉल्ड नोन एज स्टेम सेल। एंड आउटर सराउंडिंग लेयर विच इज फॉर्म बाय द ब्लास्टोमियर, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट मीनिंग ट्रोफो, ट्रोफो इट इज ए न्यूट्रिटिव वर्ड सिमिलर टू न्यूट्रिशन, ट्रोफोब्लास्ट मीनिंग द ट्रोफोब्लास्ट सेल कन्वर्ट इन टू द प्लेसेंटा इन फ्यूचर, सो ऑल्सो नोन एज ए स्टेम सेल, ऑल्सो नोन एज ए टोटिपोटेंट सेल बट लेस टोटिपोटेंट टू द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल ड्यू टू द ट्रोफोब्लास्ट ओनली कन्वर्ट इन टू द प्लेसेंटा, बट एम्ब्रियोब्लास्ट कन्वर्ट इन टू द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बेबी, दे हैव कैपेसिटी द फॉर्मेशन ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द बेबी, इन द फिटस। दिस स्ट्रक्चर नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द कंप्लीट स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई ए हार्ड स्ट्रक्चर नोन एज द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, अदरवाइज जोना पेलुसिडा नहीं होती तो क्या होता, वेन द जोना पेलुसिडा डिस इंटीग्रेटेड इन द फेलोपियन ट्यूब इन द ओविडक्ट व्हाट विल बी हैपन, तो यहां वेन द जोना पेलुसिडा डिस इंटीग्रेटेड इन द फेलोपियन ट्यूब और इस्थमिक पार्ट, द ट्रोफोब्लास्ट सेल इज ए स्टिकी सेल, वेन नॉट फाउंड not have the zona pellucida layer, the trophoblast cell attach with the stomach wall or other uterine wall, other place of the uterine wall due to the sticky cell, and pregnancy will start in the tube, so called tubal pregnancy or ectopic pregnancy, kabhi kabhi aisa ho jata hai, कभी कभी जोना पेलुसिडा है वो पहले इंटीग्रेटेड हो जाए, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी तो उस केस के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट है वहीं पर इम्प्लांट हो जाती है, ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाएगी, और ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाएगी तो प्रेगनेंसी विल बी स्टार्ट इन द ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द फीमेल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेथ भी हो सकती है ऐसे केस में, तो बाई ऑपरेटर ऑपरेशन बाई सर्जरिकल मेथड है इसे फिर रिमूव किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, द क्वेश्चन आस्क इन 2017 व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन था द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये बात आप यहां पर समझ चुके होंगे, ये यहां फोर्थ डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ये फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। देन
ब्लास्टोसिस्ट देन ब्लास्टोसिस्ट मूव टुवर्ड टू यूट्रस। ये जो स्ट्रक्चर थे यहां पर आएंगे, जो ट्यूबल स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट है, यहां पर आ गई। यहां एक ग्रुप ऑफ सेल है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये आपकी यहां पर सिक्रेटरी ऐसी स्टेज है, यूट्रस की स्टेज है, इसको हम कहेंगे सिक्रेटरी स्टेज। यहां पर कुशल लाइक जो यूट्रस है, ये ब्लास्टोसिस्ट कहां आता है, यहां पर आती है। कब आती है, फिफ्थ डे इन द यूट्रस, नियर अबाउट टू टू थ्री डेज द ब्लास्टोसिस्ट स्विम इन द यूट्राइन फ्लूड स्विम इन द यूट्राइन फ्लूड। हाउ मेनी डेज, टू टू थ्री डेज। इन दिस टाइम द वॉल ऑफ द यूट्रस इज ए सिक्रेटरी एंड सीक्रेट ए मिल्की फ्लूड, दिस इज कॉल्ड सीक्रेट ए मिल्की फ्लूड, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन फ्लूड, यूट्राइन फ्लूड। इट इज प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, इट इज प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। यू आर अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस प्रोसेस, यू your completely attention at the board, it is very important. How many time of the blastocyst swim in the uterine cavity? Yeah, there are 2 and 3 days swim in the uterine cavity, and the nutrition provided to the blastocyst by the secretion of the uterus in this milky fluid found a high amount of the glycogen. The glycogen through diffusion enter into the blastocyst through zona pellucida. जिन्हें यहां पर zona pellucida है वो इसको डिफ्यूज करता रहेगा ग्लाइकोजन को, और सेल को यहां न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन zona pellucida आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्पेस इन द एंडोमेट्रियम and get attach of the blastocyst, this is called implantation will occur. What do you mean about implantation? After moving of blastocyst in the uterus, then the blastocyst are hatched, come outside of the zona pellucida layer, then the trophoblast layer connect with the uterine wall, this is called implantation. हैचिंग होगी एक चीज, और आप ये जो यहां पर zona pellucida है इसके अंदर यहां सेलुलर जो लेयर है इसको आप कहोगे यहां पर ब्लास्टोसिस्ट। अब इसमें हैचिंग होगी, हैचिंग होगी, हैचिंग क्यों होगी, कैसे होगी हैचिंग? तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम गेट डाइजेस्ट ऑफ द जोना पेलुसिडा एंड द ब्लास्टोसिस्ट कम from the zona pellucida sheath
एंड विल गेट कनेक्टेड टू दी यूट्राइन वॉल. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन से पहले की जो इवेंट होती है उस इवेंट को क्या कहेंगे हम? हैचिंग इवेंट होगी. हैचिंग में क्या होता है यार, जोना पेलुसिडाई डिसइंटीग्रेट. फर्स्ट टाइम यहां पर आप सीखा है आपने कि जोना पेलुसिडा कहां डिसइंटीग्रेट होती है, कहां डैमेज होती है. तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर? यहां जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वहां पर आवश्यकता है कि जोना पेलुसिडा बैठे. हटाता कौन है? तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर विल सीक्रेट ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. दिस एंजाइम एक्ट ऑन दी जोना पेलुसिडा एंड गेट लाइसिस एंड जोना पेलुसिडा विल डिस्ट्रॉय और ब्लास्टोसिस्ट कम आउट फ्रॉम दी सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर. इस क्रिया को हम कहेंगे हैचिंग. यहां पर क्या हुआ? हैचिंग हुआ. आफ्टर हैचिंग है इम्प्लांटेशन यहां पर हो रहा है. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, वेरी कंसेप्चुअल मैकेनिज्म. तो ये बात आप यहां पर समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर यहां पर दे पाओगे. अब यहां पर हम आपके लिए एक ब्यूटीफुल स्लाइड यहां पर फॉर्म की है. स्लाइड के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह इम्प्लांटेशन हो रहा है, किस प्रकार से यहां क्लीवेज हो रहा है और कैसे यहां ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो रही है. ये जो हमने यहां अब तक जो समझा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जायगोट मूव थ्रू द स्टोमस ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड क्लीवेज. ह्यूमन क्लीवेज इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक एंड एसिंक्रोनस टाइप. द जायगोट फॉर्म 2, 4, 8 and 16 daughter cell. Then in case of human, the zygote also form 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 or 11 or 13 cell structure. This is called asynchronous type blastomere. The embryo with 8 to 16 blastomere is called morula. यहां तक बात समझ में? यहां तक हमने क्या कहा? ये जायगोट है, टू एन स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा है. देन द जायगोट डिवाइडेड एंड टू स्टाइल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर देन द ब्लास्टोमियर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज एंड फॉर्म ए मलबरी लाइक स्ट्रक्चर एट टू 16 स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मोरूला. ओके, थ्रू क्लीवेज. कहां से हो रहा है यहां पर? थ्रू क्लीवेज हो रहा है. इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहां मोरूला आगे किसमें कन्वर्ट हो रहा है. तो देन यहां आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है. इस डायग्राम से हम यहां पर समझ सकते हैं कि मोरूला किसके अंदर यहां कन्वर्ट हो रहा है. तो आप देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, एग लिया, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद में यहां पर ये थ्री सेल स्ट्रक्चर है और यहां पर फिर ये फिर डिवाइड हो रहा है क्लीवेज. ये जायगोट हो रहा है, सॉरी, टू एन स्ट्रक्चर है यहां पर. और यहां पर क्लीवेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, यहां सेकंड क्लीवेज, यहां थर्ड क्लीवेज हुआ. तो सेल के नंबर यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं, टू सेल ब्लास्टोमियर, फोर सेल ब्लास्टोमियर, एट सेल ब्लास्टोमियर यहां. और इस स्टेज को एट टू 16 बना तो हम मोरूला कह सकते हैं. मोरूला है वो 3 to 4 डेज है. वो यहां पर मूव इनटू द यूट्रस, देन चेंज इनटू द ब्लास्टोसील कैविटी एंड फॉर्म ए ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर. ब्लास्टोसील मूव कर रहा है इसके अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर. देन आफ्टर वो कनेक्ट विद द यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन बिगनिंग इन द यूट्रस एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस आर क्लोज बाय द इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस. तो ये एक आपके सामने ब्यूटीफुल स्लाइड बनाई गई है जिसमें हमने बताया गया है कि फैलोपियन ट्यूब है, ये फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, देन नेक्स्ट स्टेज जायगोट, देन क्लीवेज, देन मोरूला, देन ब्लास्टोसिस्ट. आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट द इम्प्लांटेशन बिगनिंग एंड कंप्लीट इम्प्लांटेशन विल अकर इन द यूट्रस. देन नेक्स्ट एक और एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है. ये एनसीईआरटी क्या कर रहा है यहां? ये आपके पास में एक ओवा है, देन स्पर्म एंटर किया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ या एंटर कर रहा है. ये फर्स्ट सेल है, ये टू सेल है, यहां पर क्या हुआ? क्लीवेज हुआ
क्लीवेज हुआ। एनसीईआरटी बोल रही है, ये आपकी जो बाइबल है उस बाइबल के अंदर इतना सुंदर डायग्राम दे रखा है। फिर यहाँ क्लीवेज हुआ, टू सेल बनी, फिर यहाँ थ्री सेल बनी, एक छोटी सेल है और बड़ी सेल है, इसलिए हम एसिंक्रोनस कहेंगे। यहां पर फिर है एट सेल स्ट्रक्चर बनी, एट सेल बनेगी तो क्या बन गया, मोरुला। एट से 16 तक मोरुला कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम मोरुला किसको कहेंगे, एट सेल स्ट्रक्चर को, और 16 तक हम यहां पर मोरुला कह सकते हैं। ये कहां ये रिएक्शन कहां हो रही है, ये रिएक्शन यहां हो रही है। आपसे ए पूछ सकते हैं, ए क्या है, ओवा है। बी पूछ सकते हैं क्या है, फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। सी क्या कर रहा है, गेट क्लीवेज, टू सेल स्ट्रक्चर, ब्लास्टोमियर। डी क्या कर रहा है, गेट सेकंड क्लीवेज। ई क्या कर रहा है, यहां पर ये यहां मोरुला फॉर्म कर रहा है, देन मोरुला इन 16 स्ट्रक्चर, मोरुला मूव इनटू द यूट्रस, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट कनेक्ट विद द यूट्राइन वॉल एंड द फॉर्म एंड मैकेनिज्म डेवलप द इम्प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट नोन एज द ट्रोपोब्लास्ट सेल, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपो ब्लास्ट सेल। देन इनर साइड ऑफ द सेल ऑफ मास आईसीएम या एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे या, और इससे पहले की जो स्ट्रक्चर है ये भी आपके सामने यहां दिखाई गई है, क्लस्टर मलबरी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम है, वो रख सकते हैं और डायग्राम ए बी सी देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द मोरुला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। The blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer is called tropoblast layer and an inner group of cell attached to the tropoblast is called ICM inner cell mass or embryoblast। इसका नाम एक और भी दिया था, इसे हम कहेंगे embryoblast और इसे हम कहेंगे stem cell। Stem cell is a complete totipotent cell, ये बात आप समझ गए होंगे। Then the ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू दी एंडोमेट्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन अटैच हो रहा है यहां, नीट का ये क्वेश्चन है, यहां कौन अटैच हो रहा है, यहां पर ट्रोपोब्लास्ट किसके साथ में, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंड द इनर सेल मस गेट डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रियो। कब तक कहेंगे ये नाम, कब तक देंगे, 2 मंथ तक हम गिव एम्ब्रियो नेम। देन एज ए रिजल्ट The blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it lead to pregnancy. This is it is lead to pregnancy. Then एक और आपके पास में सुंदर डायग्राम बनाया गया, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीनिंग है when the blastocyst connect in the proper phallus. प्रॉपर पैलेस का मीनिंग यहां पर इनसाइड ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। व्हेन इम्प्लांटेशन अकर इन द ओविडक्ट ट्यूबल रीजन ऑफ द ओविडक्ट रीजन ऑफ फेलोपियन रीजन या इस्टमिक रीजन ऑफ द ओविडक्ट, तो यहां यदि इम्प्लांटेशन हो रहा है इसको अपन ट्यूबल इम्प्लांटेशन, ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और दिस इज वेरी हार्मफुल। ये बात हम कर चुके हैं, हार्मफुल किसके लिए, फॉर एम्ब्रियो के लिए भी है और साथ में मदर के लिए, एंड मदर है दोनों के लिए ये हार्मफुल है। तो इसमें फिर क्या है, अबॉर्शन यहां पर करवाया जाता है और बाय सर्जिकल मेथड ऐसे हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये बातें मैं जहां तक समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड आपने किया है, समझा है, और इसे बहुत अच्छे क्वेश्चन या क्लीवेज के, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला एंड या इम्प्लांटेशन के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर या और क्लास 12th की बोर्ड के एग्जाम में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।